हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग करने जा रही हूँ, तो वही वीडियो मैं आप लोगों से आज भी शेयर कर रही हूँ। और किचन का ऐसा ना कि बहुत गंदा हो रखा है। कभी क्या होता है, जैसे दो चार डब्बे जो खाली होते रहते हैं, जैसे नमकीन के या चीनी के, ये सब खाली हुए थे। अब तो अभी मैंने सबको धुला था, लेकिन जब तक दूसरे खाली हो तब तक पहले जो आप धुले रहो थोड़ा बहुत गंदे हो ही जाते हैं। और इसमें जो मैंने ये प्लास्टिक सीट जो बिछा रखी है वो सब भी बहुत गंदे हो गए हैं। तो आप रो रो तो डीप क्लीनिंग तो रोज़ नहीं हो पाती है, हल्का फुल्का जो आप साफ़ कर लेते हैं उतना ही होता है, पर जो अच्छे से डीप क्लीनिंग होती है वो तो हम रोज़ नहीं कर पाते, और मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ रोज़। कभी कभार जो थोड़ा बहुत हुआ साफ, वही ये देखिए ग्लास जो मैंने रखी है यहाँ पर, शीशे के जो बॉल रखे हैं वो भी पूरा मतलब गंदे हो रखे हैं। पर ऐसा होता है कि आपको पता है कि मैं अकेले ही अपने घर में संभालती हूँ, बाहर का घर का सब कुछ, तो उतना मुझे नहीं हो पाता कि मैं रोज़ लेके किचन बैठ जाऊँ कि पूरा अच्छे से साफ़ कर पाऊँ। हाँ, जितना मुझे टाइम मिलता है मैं उतना कर लेती हूँ। तो चलिए बस यही, तो पहले मैं जो डब्बे रखे हैं ऊपर, मैं वो सारे डब्बे पहले उतार के नीचे रख लूँगी, पूरी जो अलमारी है उसे खाली कर लूँगी। और मेरी ना किचन के दोनों साइड में रैक बने हुए हैं, तो पहले जो सामने ये दिख रहा है मैं उसको सारे डब्बे जो ऊपर जो बर्तन में दो रखे हुए हैं और जो ये डब्बे वगैरह हैं सब कुछ खाली कर लूँगी। उसके बाद पहले इधर की सारी अलमारी को साफ़ करके उस पर जो मैंने प्लास्टिक सीट बिछाई है सब क्लीन करके उसको फिर मतलब धूप में डाल दूँगी सूखने के लिए। उसके बाद से बिछा के ये सारे मैं हटा के तब मैं दूसरी तरफ साफ़ करूँ, क्योंकि किचन क्या होता है ना, वैसे पूरा फैल जाता है तो फिर समझ में नहीं आता कि अब डब्बे कहाँ रखो, कैसे साफ़ करो। तो इसलिए मैं पहले एक तरफ का साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं दूसरी तरफ का साफ़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पर जो डिटर्जेंट पाउडर आता है उसको थोड़ा कटोरी में घोल लिया, जो स्क्रब बर्तन धोने के लिए यूज होता है, पर दूसरा मैंने साफ से ले लिया उसको करके, और अच्छे से मतलब धुल जाता है उससे। अच्छे से आप थोड़ा सर्फ लगा के स्क्रब से अगर साफ़ कर दीजिए सब अच्छे धुल जाता है। और मैंने सारे मतलब जो भी डब्बे हैं सारे डब्बों को मैंने खाली नहीं किया, सिर्फ जो बड़ा डब्बे उनको मैं खाली करूँगी। और छोटा डब्बे ऐसा है कि एयर टाइट है तो आराम से उनको मैं थोड़ा मतलब टाइट से बंद करके मैं कर लेती हूँ, तो आराम से अंदर पानी नहीं जाता है और साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि आप कितना डब्बों को आप खाली करेंगे, डब्बे इतने ज़्यादा किचन में रहते हैं ना कि सब अगर खाली करें लोगों तो फिर मतलब दिक्कत हो जाएगी, उतने बर्तन आप कहाँ से उतने लोगों सबको खाली करके रखेंगे। इसलिए मैं छोटे छोटे जितने भी डब्बे होते हैं उनको वैसे ही धुल लेती हूँ, सिर्फ अच्छे से उनको टाइट से बंद कर लूँगी ताकि पानी अंदर नहीं जाता है। और यहाँ पर मैं जो बड़े वाले डब्बे हैं जिनमें मैं प्लास्टिक में जो करके ऐसे जो पैकेट वाले सामान होते हैं उन्हें रख देती हूँ, तो उनको मैं खाली कर ले रही हूँ सारा, उसके बाद उन्हें धुलूंगी। क्योंकि उसमें यह छोटे छोटे सामान है तो वो वैसे नहीं हो पाते हैं, अब वो उतने टाइट भी नहीं रहते, मतलब बंद तो अच्छे से होते हैं लेकिन फिर भी मैं खाली कर ले रही हूँ उनको, उसके बाद फिर धुल लूँगी। और इसमें ऐसे है कि सब प्लास्टिक में सामान है तो मतलब चींटियाँ लगने वाले सामान नहीं है, थोड़े से मसाले वगैरह और ऐसे ही कुछ हैं तो उनको मैं निकाल लेती हूँ। और वैसे भी इसमें गर्मियों का टाइम है ना, तो जो छोटे मोटे सामान उसमें चींटियाँ बहुत जल्दी लगती हैं, जैसे चीनी वगैरह हो गया, तो चीनी वगैरह तो मैंने जब चीनी मैं महीने का लाई थी तभी मैंने साफ़ कर दिया था, इसलिए मुझे उसको नहीं साफ़ करना है, क्योंकि चीनी आप निकाल कहीं रख नहीं सकते, उसमें तुरंत चींटियाँ लग जाएंगी।
अभी मैं जो छोटे छोटे डब्बे जो मैंने शायद धो लिए थे उन सबों को अच्छे से मतलब कपड़े से साफ़ कपड़े से मैं पोंछ के तब रख दूँगी ताकि वो जल्दी सूख जाएँ, क्योंकि बाहर धूप नहीं कि मैं बाहर रख दूँ। पूरी रात से इतनी बारिश हो रही थी ना, अभी तो फ़िलहाल बारिश बंद है लेकिन मौसम अच्छा नहीं है, पूरी रात बारिश हुई है इसलिए मौसम वैसे बना हुआ है। और अभी मैं आ गई फिर से किचन में वही दूसरी तरफ का साफ़ करने के लिए, पर उससे पहले जो यहाँ पर जो टाइल्स के ऊपर ना थोड़े से वो काले काले से हो रखे हैं, क्योंकि इसके पीछे जो दीवार है हमारी पहले से प्लास्टर नहीं थी, अभी मैंने करवाई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, तो उसकी वजह से क्या होता था बरसात में ना पूरा सीड़न आ जाती थी, जिसकी वजह से ये बहुत काला सा हो गया था। तो काफ़ी मैंने साफ़ किया, पहले भी जब साफ़ किया तो मेरे हस्बैंड ने तो उनको भी वो भी काफ़ी रगड़ कर उन्होंने साफ़ किया था, लेकिन फिर भी सीड़न कारण वो फिर से काला पड़ गया है। तो आज मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत साफ़ कर, जितना होगा उतना ही कर दूँगी, क्योंकि वो पूरी तरह से साफ़ तो नहीं हो रहा है, अब वो शायद दोबारा जब पेंटिंग कभी होंगी तभी वो साफ़ हो पाएगा, लेकिन फिर भी जितना हुआ मैंने उतना रगड़ के साफ़ कर दिया, क्योंकि देखने मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और अब है कि अब प्लास्टर हो जाने के कारण बिल्कुल भी सीड़न नहीं हो रही है। किचन अच्छे से क्लीन भी कर लिया और सब कुछ अच्छे से रख भी दिया है, सबकी जगह पर जैसे रखना था सब कुछ अच्छे से सेट कर दिया है। और ये क्लिप मॉर्निंग की नहीं है, जब मैंने साफ़ किया था तब की नहीं, ये क्लिप रात की है। एक्चुअली क्या होता है कि आज रात मतलब जो रात बीती है उस रात से पूरा मतलब बिजली गायब थी, सुबह भी नहीं आई, तो इन्वर्टर भी मेरा बंद हो गया था, तो इसलिए बिल्कुल अंधेरा हो गया था घर में, तो इसलिए मैं उस वक्त कुछ भी नहीं दिखा पाई। और ये क्लिप अभी रात के 9 बजे की, जस्ट अभी लाइट आई है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि साफ़ मैंने किया उसके बाद मैंने दिखाया नहीं था आप लोगों को कैसे रखा है, और देखिए कितना गंदा हो गया था और अभी कितना साफ़ हो गया सब कुछ। ये जो प्लास्टिक वगैरह जो मैंने सीट बिछाई है सब बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब क्लीन करने के बाद कुछ भी हो, घर हो किचन हो जो भी हो, बहुत सुंदर लगता है। अभी देखिए कितना साफ़ लग रहा है, बिल्कुल एकदम सब कुछ बिल्कुल चमक सा रहा है, और पहले इतना गंदा हो गया, जब ज़्यादा गंदा हो जाता है तो बिल्कुल मन नहीं होता है कुछ भी करने का किचन में, चाहे घर हो कुछ भी, पर ये तो रेगुलर हो नहीं पाता है। पर बिल्कुल आज मैंने सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया है, बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा सा। तो चलिए इस ब्लॉग का भी अब एंड करते हैं, क्योंकि रात के 9 बज गए हैं, अभी तो मेरा खाना कुछ भी नहीं बना है, और खाना आज सिर्फ मैक्रोनी बना है, क्योंकि 9 बज गए हैं, अब कुछ भी हिम्मत नहीं बनाने की, कुछ भी बनाने जाऊँगी तो काफ़ी लेट होगी, तो इसलिए अभी सिर्फ मैक्रोनी सिंपल सा बनेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और अगर पसंद आया होगा ये मेरा किचन क्लीनिंग का ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती फिर किसी और ब्लॉग आप लोगों के साथ में।